जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सीसीटी थोरेक्स कंट्रास्ट के साथ जो सीटी स्कैन थोरेक्स करते हैं उसकी फिल्मिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि लंग्स विंडो है, ये पेशेंट का स्कैन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, पेशेंट का स्कैन कर चुके हैं। ये प्लेन स्कैन का जो लंग्स विंडो होता है ये उसकी इमेज है, जिसको हमने रिकॉन जो उसका 1.25 mm का रिकॉन है उसको हमने रिफॉर्मेट पर खोलना है, ठीक है ना। रिफॉर्मेट पर सबसे पहले उस स्कैन को खोल लेंगे, उसके बाद एंगुलाइजेशन कर देंगे। अगर पेशेंट हल्का सा टेढ़ा लेटा हुआ है तो उसको देख लीजिए, जैसे कि हम मैं कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से बिल्कुल से सीधा कर देंगे ताकि लेफ्ट राइट दोनों साइड बराबर आ जाए। इसके बाद फिर हम इसको जब बराबर देख लेते हैं ऊपर से स्टार्ट लोकेशन, जहाँ से मैं स्कैन को एपेक्स से लेके नीचे तक, ये देखिए स्टार्ट लोकेशन लूप सेट स्टार्ट इस पर क्लिक करके इमेज पर क्लिक कर देंगे, इस पर कर देंगे। उसके बाद दोबारा से फिर हम उसी पे जाके क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो गया कि जहाँ से हमें स्कैन लेना है, इमेज लेनी है, वहाँ से कहाँ तक लेना है उसके लिए सेट एंड होता है। तो जहाँ पे लीवर जहाँ पे लंग्स ख़त्म हो जाए आपके, आपको लगे कि यहाँ देखिए जैसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेट एंड। अब ये हमसे कह रहा है कि आपको कितनी इमेजेस चाहिए, तो भाई मुझे तो 6x4 का फॉर्मेट लगाना है 24 का, तो मुझे 24 इमेज बनानी है। मैं लंग्स विंडो मैं भी बड़ा बनाता हूँ और आप भी बड़ी बड़ी बनाया करिए, लंग्स विंडो छोटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसका प्रीव्यू देख लिया, अब इसके बाद मैं इसको क्लोज करके ओके कर दूंगा। अब ये हमारे फिल्मर में जाके सेव हो जाएगी सिस्टम में। इसके बाद मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। दूसरा, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मुझे जो कंट्रास्ट की जो इमेजेस हैं, जो मैंने कंट्रास्ट स्कैन किया ना पोस्ट कंट्रास्ट, अब हम उस में जो थिन इमेजेस आई हैं 1.25 mm की, ठीक है, उसको खोलना होता है। लेकिन पहले मैं लंग्स विंडो जो बनाई है मैंने उसको मैं बना देता हूँ। ये देखिए 6x4 का फॉर्मेट है, मैंने सारी ये पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट इमेज पे क्लिक करके शिफ्ट दबाइए और लास्ट पे क्लिक कर दीजिए, पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा। लंग्स विंडो बन गई, अब मैं कंट्रास्ट की इमेजेस जो है मैं रिफॉर्मेट पे खोलने जा रहा हूँ। देखिए 241 इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है, ये हमारा कंट्रास्ट। सेम वही प्रोसेस इसमें भी, अगर क्योंकि जब प्लेन में पेशेंट टेढ़ा लेटा हुआ तो इसमें भी हल्का सा तिरछा होगा, तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग लूप की सहायता से बनाएंगे, ठीक है, बना वैसे भी सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। वो जो इमेजेस थी हमारी वो लंग्स विंडो 1.25 mm की थी, इसको हम 5 mm में बनाएंगे, इसकी स्लाइस थिकनेस 5 mm रहेगी, ठीक है ना। इसको हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी स्पाइन है, स्पाइन के अकॉर्डिंग हमने पूरा इसमें FOV सेट कर लिया कि हमें इतनी इमेजेस चाहिए, ठीक है। अब इसकी मुझे 45 इमेजेस चाहिए होंगी, क्योंकि मैंने लंग्स विंडो 6x4 में बनाई यानी 24, और मैं इसको बनाऊंगा जो कंट्रास्ट की 5 mm इमेजेस है इसको मैं 35 बनाऊंगा, टोटल 3 फिल्में बनाऊंगा, ठीक है। अब ये आप जैसे देख रहे हो ना, मैंने प्रीव्यू देख रहा हूँ, मैं प्रीव्यू देखने के बाद मैं इसको क्लोज पे लिख के ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। अब ये हमारी इमेजेस सेव हो गई, ठीक है। अब कॉर्नल की भी इमेजेस की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो ऊपर कॉर्नल में एवरेज कर लेंगे, इसको भी सेम वैसे सीधा कर देंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्पाइन हल्की से स्कैन थोड़ा सा तिरछा है, यानी पेशेंट थोड़ा तिरछा लेटा हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। अब इसके बाद भी इसकी 10 इमेजेस सेव कर लेंगे, क्योंकि 35 का फॉर्मेट लगाएंगे 7x5, है ना। तो नीचे 10 इमेजेस ये भी डाल देंगे उसमें कॉर्नल की, ताकि अच्छे से दिख सके। आप देख रहे होगे ना ऊपर लीजन आ रहा है राइट साइड, तो 10 इमेजेस इसकी भी सेव कर लेंगे। इसको भी प्रीव्यू देख के और ओके देख के फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। देखिए जैसे प्रीव्यू देख रहे हैं, इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, इसको क्लोज करेंगे और ओके करके सेव कर देंगे, और रिफॉर्मेट से उसके बाद बाहर आ जाएंगे। अब रिफॉर्मेट में हमें कुछ नहीं करना है। प्लेन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्लेन मैं ऑलरेडी बना के सेव कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको प्लेन की फिल्में नहीं दिखाई, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसको रिफॉर्मेट पर खोल के दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये प्लेन है, मैं इसकी ऑलरेडी पहले से सेव कर चुका हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता आप लोग देखते नहीं, तो मैंने इसको पहले ही सेव कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद स्काउट डालते हैं, स्काउट पर क्लिक करके कुछ नहीं करना है, स्काउट पर क्लिक करके हमें सीधे उस पर जाना है। आप देख लो प्लेन देख लो, आप मैंने स्काउट डाल दिया उधर, ये देखो ये प्लेन की इमेजेस है, ठीक है ना। ये 20 इमेजेस जो मैंने पहले बना के रखी थी ना, ये वही है, ये 20 इमेजेस देखिए आ गई। अब ये 24 का फॉर्मेट लगा है 6x4, तो 6x4 नहीं 7x5 लगाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए 7x5, एक इमेज नीचे एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि मैं टोटल मैंने आपसे बोला ना 3 फिल्म बनाऊंगा, तो मैं एक लंग्स विंडो दे दूंगा। अब जिस इमेज में मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा स्काउट है, इस पर थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा सा सेट कर देते हैं ताकि ये स्काउट हमारा अच्छा सा दिखने लगे। अब इस फॉर्मेट को जूम कर देंगे, देखिए मैंने डबल क्लिक करके पूरा फॉर्मेट को जूम कर दिया। अगर आपको
सिंगल जूम करना है, मान लीजिए आपको पहली से आखिरी तक स्काउट नहीं छूना चाहता, तो आप पहली इमेज पर शिफ्ट दबाए क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए, लास्ट पे क्लिक कर दीजिए, जूम हो जाएगा। देखिए ये पूरी जूम हो गई, ठीक है ना जित। और हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है जूम, बिल्कुल अच्छी से जूम हुई है, ठीक है। अभी हमारी देखिए कंट्रास्ट की इमेज है, इसको भी हमने व्यूवर में देख लिया, ठीक है। ये देखिए कंट्रास्ट की इमेज है व्यूवर में, मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से आई है। इसको भी हम लोग क्विट करेंगे, और इसके बाद इसको भी हम लोग फिल्मर में डाल देंगे। ये देखिए फिल्मिंग में आ गए, ठीक है। देखिए नीचे हमारे देखिए पांच ही कॉलम बचे हुए हैं, लेकिन हमें इसमें 10 कॉर्नर की इमेजेस डालनी है कंट्रास्ट की। तो जिसमें जो इमेज हमारी इस्तेमाल की नहीं होगी, चाहे वो स्टार्टिंग की हो, एपेक्स से पहले की हो, ठीक है, या फिर लास्ट में, या लीवर के नीचे, या किडनी दिख रही हो, थोरेक्स में इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, हम उसको डिलीट कर देंगे। देखिए हमने पीछे से डिलीट कर दिया, आगे की भी हम दो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर हाँ कोई लीजन आ रहा होता तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जहाँ से लीजन दिखना चाहिए वहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हम इसको भी इसी के हिसाब से जूम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग फिल्म बनाइएगा तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर थोरेक्स में ऊपर भी लीजन आ रहा है तो आप उसको कट मत करिएगा, आपको पूरा स्कैन करना है, वरना डॉक्टर करने वरना स्कैन कराने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पड़ता था सीटी थोरेस लिख के आ रहा, आप सिर्फ सीटी थोरेस करो, ऊपर का लीजन छोड़ दो, ठीक है, ये कवर करना ज़रूरी होता है। देखिए हमने इसको जूम कर लिया, सेम इसी तरीके से डबल क्लिक करके हम इसको भी जूम कर देंगे पूरा फॉर्मेट। देखिए हम इसका जूम कर रहे हैं, तो ये हमारी समझ लीजिए कि 50% से ऊपर हमारी फिल्म बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अच्छे से देखिए पूरे फॉर्मेट में आ गए। अब देखिए जो 10 कॉर्नर की इमेजेस सेव करी थी वो भी देखिए आप व्यूअर में देख लीजिए, ठीक है ना, आपने देख लिया। इसके बाद फिर हम इसको यहाँ से भी क्विट कर देंगे, क्विट करने के बाद इसी इमेज पे क्लिक करके हम इसको फिल्मिंग कर देंगे। ये देखिए फिल्मिंग, जूम करके दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद आप देखिए फिल्मर में 10 इमेजेस वहाँ तक पहुँच गई। अब इसमें भी देखिए मैंने पहली इमेज पकड़ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया और लास्ट में कर दिया, तो ये पूरी फिल्म नहीं जूम होती। अभी पता चला मैंने डबल क्लिक कर देता पूरा जूम हो जाता और सब फिल्में इमेजेस इधर इधर हो जाती, ठीक है। तो ये हमारी सिटी स्कैन थोड़े की फिल्म बनके तैयार। लाइक और सब्सक्राइब करिए।